राम राम भाई सारे ने, मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल झज्जर में हर कुलदीप वत्स विधायक हैं जो हाल में उनके पास बैठे थे, और यहाँ पे एक क्यूट सा चेहरा कैस कहाँ जो एक नॉर्मल परिवार से उभर का आई है और आज एक बहुत बड़े पद पे है, इन्हीं का परिचय इन्हीं से लेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते भाई। एक दर्शकों को परिचय दे दो। सभी को राम राम। इस राम राम में बहुत कुछ छुपा है सारे ने, मेरा परिचय भी पता चल गया होगा। मैं आपकी लाडली हरियाणा में आई हुई हूँ, अंतर्राष्ट्रीय शूटर किसान नेता पूनम पंडित। सबसे पहले किसान की बात, फिर बाकी बात बात की। आपको, आपने एक बहुत बड़े पद पर आए हो आप, और आपका स्वागत करते हैं, अपने झज्जर में आए हो आप जी। तो शुरुआत करते हैं आपके जीवन परिचय से। ओह, बड़ा लंबा इंटरव्यू हो जाएगा जी। नहीं, लंबा नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटा करेंगे। एक बार आप कॉल कर लो पहले, कि मीडिया वाला रोक दो आप बीच में। नहीं भाई, बताऊँ, भाई हैं मेरे बुजुर्ग जिन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ है काद्यान खाप के, उनके फ़ोन था। अब पिता हैं तो पिता को, बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके सिर पे पिता का हाथ होता है। मैं बड़ी दुर्भाग्य मेरा ये है कि मेरे सिर पे मेरे पिता का हाथ नहीं है, लेकिन बहुत सारे आपके पिता सभी मेरे पिता जैसे हैं, तो कोई इतना बड़ा सीनियर मेरे पिता तुल्य अगर इंतज़ार करें तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जन्म कहाँ पे हुआ आपका? मैं उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, छोटा सा गांव है सिकंदराबाद विधानसभा के अंदर, इस्माइलपुर। मुस्कुराते रहिए जी। तो इतनी भावना अपने देश के प्रति, किसानों के प्रति कहाँ से आई? मतलब ये चीज़ें कहाँ से प्रकट हुई? क्या देखा आपने, क्या सीन देखा है फिल्मों से देख के, या यूपी के अंदर कह सकते हैं कि इतना दम ही है लड़कियों के अंदर? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप कोई चीज़ देखोगे तो वो आप सीखोगे 50%, 60%, लेकिन जो भुक्त भोगी होता है जी, वो पूरा 100% होता है। तो हमने संघर्ष को देखा है। मेरी मदर जो थी वो महिला किसान मजदूर थी जी, तो उनके संघर्ष को देखा है। मेरे फादर, बहुत पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरे फादर बीमार भी रहते थे, तो 2013 में वो ऑफ हो गए थे। तो मेरी मदर ने संघर्ष किया, और जिसकी बच्चियां 12-14 साल की हैं, तो एक मन में कसक सी रहती थी कि मतलब हम लोग इतने बड़े हो गए और हमारी मम्मी दूसरों के यहाँ काम करेगी, हमें भी उनकी हेल्प करनी है। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं थे कि 35 साल की उम्र में वो भीख मांग रहे थे और उनकी मम्मी दूसरों के घर में बर्तन माँज रही थी। हमें उस उम्र में भी, 14-15 साल की उम्र में भी ये महसूस होता था कि हमारी मम्मी दूसरों के यहाँ काम कर रही, तो हमें भी उनको सपोर्ट करना है। तो पूनम पंडित में इतना दम कहाँ से आया कि लड़की होते हुए भी किसानों के बीच रही है, आंदोलन लड़े हैं, फिर पार्टी में जाने का कैसे? देखिए, पूनम पंडित एक किरदार नहीं है, पूनम पंडित आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अध्याय है। कभी फुर्सत से जब मिलेंगे तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा जी। क्योंकि हम लोग संघर्ष करके, बड़ी परिस्थितियों से जूझ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये हिम्मत जो है, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपका राजनीतिक गुरु कौन है, तो कोई कुछ बताता है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई राजनीतिक गुरु ना हो। लेकिन मेरा राजनीतिक गुरु जो है वो मेरा बुरा वक्त है जी। जिसने, बहुत सारे नेताओं ने मेरी टांग खींचने की कोशिश की, किसान नेताओं ने जिनको भय रहता था अपनी कुर्सी का, तो उनके उस टांग खींचने में भी बड़ा योगदान रहा। आप जैसे लोगों का सिर पे बड़ा हाथ था, उस आशीर्वाद ने मुझे आगे बढ़ाया। और एक कोई ये होता ना कि मैं तू कैसा है, हम भी तेरे से ऊपर है भाई जी। हम कौन सा तेरा चार हाथ फालतू, चार टांग फालतू, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी सड़क पे बैठे हैं, जनता के लिए लड़ रहे, किसानों के लिए लड़ रहे, तो भाई तू क्या कर, मैं खम्मा खा, है ना। तो अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो तो आपका वो मेहनत जो है अलग दिखेगा। अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हो, आपको देखिए पुलिस ने बहुत रोका मुझे, बहुत किसान नेताओं का योगदान है हमारे यूपी से, जिन्होंने पुलिस से मुझे परेशान कराया, प्रशासन से परेशान कराया, किसान नेताओं का बहुत योगदान है, मैं इसलिए उनका धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों का बाद में करती हूँ, पहले टांग खींचने वालों का मैं करती हूँ धन्यवाद। टिकट का ऑफर आया या ट्राई किया आपने? कैसे टिकट का? आपने चुनाव लड़ा? देखिए, वो टिकट जो है मुझे, मैंने आवेदन भी नहीं किया था, ना मुझे पता था कि मुझे दीदी चुनाव लड़ा देंगी प्रियंका गांधी जी, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया। मेरी विधानसभा सिकंदराबाद है, मुझे सियाना विधानसभा से चुनाव लड़ाया गया, जहाँ से मैं चुनाव लड़ी हूँ, मेरे यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है, लेकिन बड़े कम समय में टिकट हुआ, मैंने अच्छे से चुनाव लड़ा। ये अलग है कि निर्णय हमारे पक्ष में नहीं रहा, और बहुत अच्छा वर्चस्व नहीं था उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 30 साल से हमारी सरकार वहाँ पे नहीं है, और काफ़ी दिनों के बाद 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में उन पे चुनाव हुआ है, काफ़ी दिनों के बाद, नहीं तो 100 सीटों पर चुनाव होता था। लेकिन हम लोग लड़े, हमने दीदी को लड़के दिखाया कि दीदी लड़की हैं, लड़ सकते हैं, इस चीज़ की सराहना की हमारी नेता ने, और हर विधानसभा में हर नेता पैदा किया हमारी नेता ने,
तो हम आगे भी लड़ेंगे, चाहे वो देश के हित में लड़ना हो, चाहे किसानों के लिए लड़ना हो, चाहे नौजवान युवाओं के लिए, चाहे तमाम बेटियों के लिए लड़ना हो, बिल्कुल लड़ेंगे, लड़की हैं लड़ सकते हैं। आज किस पद पे बैठा है पूनम पांडे? आज मैं राष्ट्रीय पर्यवेक्षक महिला कांग्रेस और मैं प्रभारी जिला झज्जर से हूँ और मैं PCC मेंबर भी हूँ, मीडिया पैनलिस्ट उत्तर प्रदेश भी हूँ रही हूँ मैं, और चुनाव भी मैं लड़ी हूँ। ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पद हो जाते हैं, मेरा मानना है कि आप सच के लिए काम करते रहिए, पद आपको अपने आप मिलते रहेंगे। लेकिन एक पद भी इसलिए ज़रूरी है, आप अपनी पहचान, जैसे आपने मुझसे पूछा आप किस जिम्मेदारी पे, मानिए अगर मैं एज ए प्रभारी नहीं आती तो मुझे नहीं लगता आप यहाँ पे आते, आपको पता लगा कि प्रभारी आ रहे हैं तो इसलिए आप यहाँ पे आए, तो इसलिए प्रभार क्षेत्र में मैं हूँ अपने, तो ये भी ज़रूरी है। और मैं महिला कांग्रेस से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी 29 तारीख को धरना करने जा रही हैं, संसद घेराव करने जा रही हैं, उसके लिए हरियाणा के सभी लोगों से, आसपास के जिले, तमाम देश की हरियाणा कांग्रेस से मेरा निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 29 तारीख को दिल्ली पहुँचे, संसद घेराव है महिलाओं के हक में। पहला आंदोलन कौन सा लड़ा था? मेरा सबसे पहला आंदोलन किसान आंदोलन। तो किसानों के लिए क्या करेगी पूनम पंडित, अगर हाथ में कोई डोर आ गई, कोई विधायक पद आ गया आपका, कहाँ से चुनाव लड़ गया, अगर आप जीत गए तो किसानों के लिए पहला कार्य क्या करना चाहोगे? देखिए सबसे पहला कार्य किसानों के लिए तो बस यही है, जो सबसे सम्मानित चीज़ है उनको उनकी MSP, अगर आप उनको MSP पूरे स्टेट में नहीं दिला पा रहे हो, आपके स्टेट में सरकार नहीं है, आप देश में नहीं दिला पा रहे हो, तो कुछ जो ज़रूरतमंद लोग हैं आप उन्हें अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में उनके विहाब पे तो दिला सकते हो, उनके बच्चों की शिक्षा तो करा सकते हो। आप मान लीजिए MSP भी नहीं दिला पा रहे हो, लेकिन जो किसान पैसा कमाता है उसी से बच्चों की शादी करता है, उसी से बच्चों को पढ़ाता है, तो कम से कम अपनी विधानसभा में जो किसान सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनके बच्चों को उच्च शिक्षा, यही सब चीज़ें। जी, झज्जर जिला कैसा लगे आपको? झज्जर जिला पहले मेरे लिए अनोखा नहीं है, नया नहीं है, और ये अपने आप में विचित्र ज़िला है, और मैं सभी का यहाँ पे बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने चारों विधायकों का और अपने सांसद जी का, बड़े भाई मेरे जिन्होंने मुझे चुनाव भी लड़ाया, मेरे चुनाव में भी गए, और यहाँ पे अपनी जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, तमाम महिलाओं का, तमाम कांग्रेसियों का, और यहाँ पे जो है मुझे कोई संदेह नहीं है कि यहाँ रिज़ल्ट क्या आने वाले हैं, बशर्ते उस रिज़ल्ट को, मैं अगर यहाँ पे आई हुई हूँ तो मेरा निवेदन है कि उस रिज़ल्ट की जो जीत है वो ऊपर की तरफ बढ़ोतरी में चले। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना कीमती समय दिया। भाई कमेंट बॉक्स में पूनम पंडित के लिए भी राय ज़रूर देना और किसानों के लिए भी राय ज़रूर देना। वंदे मातरम, जय भारत।